लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये प्रोस्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया था और प्रोस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है मास के अकॉर्डिंग, यानी कि एलिमेंट का जो मास रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे वाटर एग्जांपल एक ले ले रहा हूं, H2O, वाटर हुआ। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है हमेशा 1:8 के रेशियो में होता है मास के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर वाटर हम 9 ग्राम ले रहे हैं, 9 ग्राम वाटर ले रहे हैं, कहीं का वाटर हो उससे हमको मतलब नहीं है, तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वाटर को तोड़ने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। तो 9 ग्राम किसी भी तरह के वाटर को स्प्लिट करने पे आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन मिलेगा, चाहे वो वाटर आप किसी मेथड से बनाए या किसी सोर्स से लाए। 9 ग्राम उसमें से लेकर के अगर स्प्लिट करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। एक और एग्जांपल आपको आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर आप अमोनिया ले रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वह होता है आपको 14:3, तो यानी कि टोटल 17 हुआ। अगर आप किसी भी सोर्स से बनाया हुआ या किसी भी सोर्स से लाया हुआ NH3 ले रहे हैं और उसका 17 ग्राम आप ले करके स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो अमोनिया को तोड़ने पे आपको दो चीज मिलेगा, नाइट्रोजन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। 17 ग्राम अमोनिया को तोड़ने पर हमेशा आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस मिलेगा और 3 ग्राम जो होगा वो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, इसी रेशियो में हमेशा रहेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? तो इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मास की बात हो रही है ना, और यहां जो केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है ये कंपाउंड के सेंस में दिया हुआ है। इस दोनों का मतलब क्या हुआ? इट मींस कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है वो मास के अकॉर्डिंग फिक्स रेशियो में होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।